इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारे पास शॉर्टिंग टेक्निक्स हैं उनके एमसीक्यू के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, इन डैश द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज सेलेक्टेड फ्रॉम द अनसॉर्टेड एरे एंड स्वैप विद द लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट एंड दैट एलिमेंट बिकम पार्ट ऑफ द सॉर्टेड एरे। मीन्स यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा आपका, सिलेक्शन शॉर्ट। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन शॉर्ट में ही हम, मान लो ये सिलेक्शन शॉर्ट है ना, ये 20, 30, 40, ये 50, ये जो पहला एलिमेंट है इसको हम मिनिमम मान के चलते हैं, ठीक है। फिर इसको हम कंपेयर करते हैं बाकी एलिमेंट्स के साथ। मान लो यहाँ पर यह 10, तो ये बाकी एलिमेंट के साथ कंपेयर होगा, तो अगर इससे छोटा एलिमेंट मिल जाता है कोई, ठीक है, वो फिर स्वैप हो जाता है और लास्ट में जाके जो सबसे मिनिमम एलिमेंट है वो चला जाता है यहाँ पर, और यहाँ वाला एलिमेंट उसकी जगह पे चला जाता है। मतलब ये एलिमेंट लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है। बात यही बात उसने की, और ये है सिलेक्शन शॉर्ट। फिर अगला है, व्हेन टू एलिमेंट्स मैप टू द सेम स्लॉट इन द हैश टेबल इट इज़ कॉल्ड कोलिजन, ठीक है। जब हैश टेबल के अंदर दो एलिमेंट आ जाते हैं ना एक ही जगह पर, तो उसको क्या आ जाता है, कोलिजन। फिर अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग एंड रीअरेंजिंग ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट इन टू ए पर्टिकुलर ऑर्डर इज नोन एज, तो पर्टिकुलर ऑर्डर में जब एलिमेंट को अरेंज करते हैं वो क्या कहलाती है, शॉर्टिंग, चाहे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर हैं हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। बेसिकली जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है ना, ये आप लिख लेना कि जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है उसको हम कहते हैं शॉर्टिंग, और जो डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है वो है रिवर्स शॉर्टिंग, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में जब हम अरेंज करते हैं वो क्या कहलाती है, शॉर्टिंग। तो आंसर क्या बन जाएगा थर्ड क्वेश्चन का, शॉर्टिंग, ठीक है। फिर हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन आता है, डैश शॉर्ट इज द सिंपलेस्ट शॉर्टिंग एल्गोरिथम दैट वर्क्स रिपीटेडली स्वैपिंग द एडजेसेंट एलिमेंट इन केस ऑफ अनसॉर्टेड इन एन माइनस वन पासेस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बबल शॉर्ट, क्योंकि बबल शॉर्ट में ही हम क्या करते हैं, एडजेसेंट एलिमेंट्स को स्वैप करते हैं, ठीक है। क्योंकि मान लो ये एलिमेंट है ना, तो यहाँ पर हम एडजेसेंट एलिमेंट्स की स्वैपिंग करते चले जाते हैं बबल शॉर्ट के अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बबल शॉर्ट, फोर्थ क्वेश्चन का। फिर अगला है, ए परफेक्ट हैश फंक्शन मैप्स एवरी इनपुट की टू अ यूनिक इंडेक्स इन द हैश टेबल इफ द हैश फंक्शन इज परफेक्ट, ठीक है। अगर हैश फंक्शन परफेक्ट होगा और हर एक एलिमेंट अपनी जगह पर जाकर प्लेस हो जाएगा, ठीक है, वो कब होगा, जब कोलिजन नेवर अकर, जब कोलिजन अकर नहीं होगा तो हर एक एलिमेंट अपनी पर्टिकुलर जगह पे जाएगा, ठीक है। अब हाउ मैनी पासिस डज एन इंसर्शन शॉर्ट एल्गोरिथम कंसिस्ट ऑफ, तो आपको याद रखना है कि जो हमारे पास सिलेक्शन शॉर्ट है ना, ये आपके पास क्या आ गया, सिलेक्शन शॉर्ट और इंसर्शन शॉर्ट, ठीक है। इंसर्शन शॉर्ट, इन दोनों में जो पासिस होते हैं वो n माइनस वन होते हैं, और बबल शॉर्ट में बेसिकली जो पासिस होते हैं वो n भी हो सकते हैं और n माइनस वन भी, ठीक है। आपको याद रखना है ये चीज़। तो यहाँ पर इंसर्शन शॉर्ट की बात की तो नंबर ऑफ पासिस कितने हुए, n माइनस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ, वो कहता है व्हाट इज द एवरेज केस रनिंग टाइम ऑफ इंसर्शन शॉर्ट। तो एवरेज और वर्स्ट केस दोनों के दोनों इंसर्शन शॉर्ट में क्या होते हैं, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वेयर। अब बताया व्हाट इज द रनिंग टाइम ऑफ एन इंसर्शन शॉर्ट एल्गोरिथम इफ इनपुट इज प्री शॉर्टेड, अगर वो पहले से ही शॉर्टेड है, ठीक है, और पहले से ही शॉर्टेड है, और शॉर्टेड में हमने क्या कहा था, शॉर्टेड कहा था ना, शॉर्टेड का मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब होती है, शॉर्टेड का मतलब, तब ये क्या होता है, इंसर्शन के लिए बेस्ट केस होता है, ठीक है ना। इंसर्शन शॉर्ट में क्या होता है, बेस्ट केस, जब प्री ऑर्डर पहले से ही वो शॉर्टेड हो, तो उस केस में कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वेयर नहीं रहती, उस केस में क्या बन जाती है, ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है। बात अब नाइन्थ क्वेश्चन है, वो कहता है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ पासिस टू शॉर्ट द एलिमेंट यूजिंग इंसर्शन शॉर्ट। अब इंसर्शन शॉर्ट की हेल्प से हमने इसको शॉर्ट करना है, ठीक है बात। तो हमारे पास जो एलिमेंट हैं 14, 12, 16, 6, 3 और 10, ये हमारे पास एलिमेंट हैं, ये है आपके पास 10, ठीक है, 16। अब हमने क्या करना है, इंसर्शन शॉर्ट करना है इसमें, और उसने पूछा
के जो नंबर ऑफ़ पासिस होंगे ना वो कितने होंगे। तो नंबर ऑफ़ पासिस कितने होंगे यहाँ पर, एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 एलिमेंट है, हमने पढ़ा था इंसर्शन सॉर्ट में अगर n एलिमेंट होते हैं नंबर ऑफ पासिस कितने होंगे, n-1, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। करके भी आप देख सकते हो, क्योंकि इंसर्शन सॉर्ट में क्या होता है, बेसिकली ये याद रखना कि नंबर ऑफ पासिस कितने होते हैं, n-1, ठीक है। हाउ विल द लीस्ट एलिमेंट लुक लाइक आफ्टर द सेकेंड पास इन इंसर्शन सॉर्ट। अब ये आपके पास एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एलिमेंट्स हैं आपके पास, मैं लिख लेता हूँ एक बार, 34, 8, 64, 51, 32 और 21, ठीक है। बात ये आपके पास एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये एलिमेंट्स आ गए सारे के सारे। अब इंसर्शन शॉर्ट करना है, ठीक है, 34 ऑलरेडी शॉर्टेड होता है, ठीक है। बात अब उसने कहा है कि सेकंड पास के बाद इंसर्शन शॉर्ट कैसा दिखाई देगा, ठीक है। बात तो आपके पास क्या है, 34 पहले प्लेस पे, तो क्योंकि पहले एलिमेंट को ही हम रखते हैं पहले प्लेस पर, जब सेकंड एलिमेंट आता है तो सेकंड एलिमेंट जब आता है तो ये शिफ्ट हो जाता है राइट साइड में, और जो न्यू एलिमेंट अगर छोटा है, ठीक है ना, अगर जो न्यू एलिमेंट आ रहा है ना वो इस एलिमेंट से छोटा है तो ये एलिमेंट एक पोजीशन इधर शिफ्ट कर जाएगा और न्यू एलिमेंट इसकी जगह पर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 8, 34, 64, 51, 32, 21। फर्स्ट पास तो था कि 34 आ गया था, फिर सेकंड पास 8 था, तो अब बन गया लिस्ट आपके पास ये, ठीक है। बाद तो यहाँ पर आपका जो आंसर बन गया वो क्या बन गया, 8, 34, 64, 51, 32, 21, डी आ गया आपका आंसर, ठीक है जी। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गिवन एरे इज दिस, बबल शॉर्ट इज यूज टू शॉर्ट द एरे एलिमेंट, हाउ मैनी आइट्रेशन विल बी डन टू शॉर्ट द एरे। अब इसमें कितनी आइट्रेशन लगेंगी, तो मैंने आपको बताया था, ये आपने लिखा होगा या नहीं, जो सिलेक्शन और इंसर्शन होता है अगर इसमें एन एलिमेंट होते हैं तो आइट्रेशन कह लो या फिर उसको पासिस कह लो। अगर एन एलिमेंट है सिलेक्शन और इंसर्शन के कोट में, आइट्रेशन या पासिस, आइट्रेशन कह लो चाहे पासिस कह लो, उसमें बनते हैं n-1। और बबल शॉर्ट के केस में अगर एन एलिमेंट है तो पासिस और आइट्रेशन कितने बनते हैं, एन, ठीक है। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट है आपके पास, एलिमेंट हैं आपके पास 4, ठीक है। बात तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ पासिस हैं या फिर इसने क्या कहा, आइट्रेशन, वो कितने आएंगे, 4 ही आएंगे, ठीक है। बात तो इसका आंसर आ गया 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, कंसीडर अ लिस्ट ऑफ 5 एलिमेंट, ये 5 एलिमेंट है, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ आइट्रेशन डन व्हाइल रनिंग इंसर्शन सॉर्ट। अब वो कहता है ये क्या स्टेप्स होंगे इंसर्शन सॉर्ट के केस में, तो पेज हम दूसरा ले लेते हैं, तो हमारे पास एलिमेंट्स क्या हैं, एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ये आ गए आपके पास 9, 7, 4, 2, 1, ये एलिमेंट है आपके पास, ठीक है। आपने क्या अप्लाई करना है, इंसर्शन सॉर्ट। तो इंसर्शन सॉर्ट के केस में हमने पढ़ा था कि पहले तो आता आपके पास 9, ठीक है, 9 आया, 9 के बाद 7 है, अगर जब 7 आएगा तो ये 9 कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इधर, और 7 आ जाएगा यहाँ पर, तो नेक्स्ट आपके पास बन जाएगा 7, 9, 4, 2, 1। अब बारी है 4 की। अब आप देखें कि ये 4, ये दोनों एलिमेंट तो हो चुके हैं, ठीक है, तो ये जो एलिमेंट है ये दोनों एलिमेंट बड़े हैं 4 से, तो क्या होगा, ये दोनों एलिमेंट यहाँ शिफ्ट होंगे और 4 आएगा यहाँ पर, तो ये बन जाएगा, अभी जैसे 9 इधर शिफ्ट होगा, 9 आएगा, फिर 7 आएगा, ठीक है ना, ऐसे ये इसकी जगह पर आया, फिर ये इसकी जगह पर आया,
और ये जाएगा इसकी जगह पर, तो 4 आ गया यहाँ पर, फिर 2 1, ठीक है। फिर आई 2 की बारी, अब 2 भी क्या है, ये तीनों हो चुके हैं, ठीक है, ये तीनों छोटे हैं, तो अब आ जाएगा 4 7 9 1 और 2 चला जाएगा इसकी जगह पर, ठीक है। अब ये आ गया, उसके बाद आया 1 1 भी इन सब से छोटा है, ठीक है, तो ये सारे हो चुके हैं, तो अब क्या आएगा 1, तो आ जाएगा 1 4 सॉरी 1 2 4 7 9, तो ये आपके पास बने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन के साथ ही ये मैच कर जाएगा आपका, ठीक है बात। तो ये आप देख सकते हैं कि ये 7 9 4 2 1, फिर 4 7 9 2 1, ठीक है, फिर 2 7 2 4 7 9, और इसके साथ फिर ये इसके साथ, तो आंसर आप क्या बन गया जाए, ए, ठीक है बात। इस तरह से आपको ये करना होता है, मतलब ये आपको वीडियोस एक बार दोबारा चेक कर लेनी है कि इंसर्शन शॉट, बबल शॉट और सिलेक्शन शॉट का शॉटिंग करने का प्रोसीजर क्या है, क्योंकि इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आएंगे और पूछ लिया जाएगा कि फर्स्ट पास के बाद क्या लिस्ट बनेगी, या शॉटिंग लगानी है तो किस तरह से एलिमेंट्स अरेंज होते चले जाएंगे। अब लिखा है व्हाट इज़ द वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिलेक्शन शॉट, सो सिलेक्शन शॉट कह लो, तो यहाँ पर क्या है, वर्स्ट केस तो सबकी सेम है, ठीक है, चाहे आपके पास सिलेक्शन है, ठीक है, चाहे बबल है, चाहे आपके पास इंसर्शन है, ठीक है, तीनों की जो वर्स्ट केस है ना, वो क्या है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वेयर, ठीक है बात। तो तीनों की जो आपके पास वर्स्ट केस है क्या है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वेयर, तो सिलेक्शन शॉट की पूछी है, क्या बन जाएगी यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वेयर। व्हाट इज़ द एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिलेक्शन शॉट, एवरेज केस भी सिलेक्शन की क्या है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वेयर। यहाँ पर एक और वर्ड जोड़ लो, चाहे हम एवरेज कहें चाहे वर्स्ट कहें, मतलब एवरेज और वर्स्ट दोनों क्या हैं, तीनों के केस में क्या है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वेयर, ठीक है जी बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ सिलेक्शन शॉट, सिलेक्शन शॉट की डिसएडवांटेज क्या है, इट इज़ रिक्वायर्स ऑक्सिलरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी का मतलब होता है कि सेकेंडरी स्टोरेज, मतलब कि हार्ड डिस्क की जरूरत पड़ती है या नहीं, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती। इट इज़ नॉट स्केलेबल, इट कैन बी यूज फॉर स्मॉल कीज, इट टेक्स लीनियर टाइम टू शॉर्ट द एलिमेंट, तो डिसएडवांटेज क्या है, ऑक्सिलरी बेसिकली स्केलेबल, कैन बी यूज फॉर स्मॉल कीज, ये इसकी एडवांटेज है, ठीक है, लीनियर टाइम टू शॉर्ट द एलिमेंट, तो ये क्या करता है, ये आपके पास लीनियर टाइम लेता है शॉर्ट करने के लिए, ये इसकी डिसएडवांटेज है, ठीक है बात। अब सिक्स क्वेश्चन, एक लिस्ट दी है द नंबर ऑफ आइट्रेशन इन बबल शॉट और सिलेक्शन शॉट रिस्पेक्टिवली, ठीक है, तो आइट्रेशन कह लो या फिर पासिस कह लो, हमने पढ़ा था, ठीक है ना, बबल के केस में कितनी हैं, अगर एन एलिमेंट है तो एन माइनस वन, और सिलेक्शन के केस में अगर एन सॉरी अगर बबल के केस में एन एलिमेंट है तो आइट्रेशन या पासिस एन लगते हैं, सिलेक्शन केस में एन एलिमेंट है तो आइट्रेशन या लिखती है एन माइनस वन, ठीक है बात। तो बबल के केस में ये एलिमेंट 1 2 3 4 5, तो बबल के केस में तो 5 की 5 हो जाएंगी, मतलब पहले क्या आ जाएगा 5, और सिलेक्शन के उसमें 5 माइनस 1 मतलब 4, मतलब आंसर क्या आ गया 5 और 4। ये आपको ध्यान रखना है, पहले बबल शॉट है ना, तो बबल शॉट के केस में एन एलिमेंट तो एन हाइड्रेशन, सिलेक्शन केस में क्या है एन माइनस वन, तो 5 इसकी और 4 इसकी, ठीक है जी बात। उसके बाद है व्हाट इज़ द बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिलेक्शन शॉट, तो सिलेक्शन के शॉट के केस में हमने पढ़ा था, ये आपको मैं लिखवा दूंगा, नोट्स में भी दे दूंगा, बेस्ट केस सिलेक्शन के केस में कब होता है, जब ऑलरेडी शॉर्टेड होती है, ऑलरेडी शॉर्टेड होती है, ठीक है, बेस्ट केस कब होता है सिलेक्शन के केस में, ऑलरेडी शॉर्टेड और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है, तो ये याद रखना आपने कि बेस्ट केस होता है ऑलरेडी शॉर्टेड, मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, क्या आ गया इंक्रीजिंग ऑर्डर और कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ
एन आ गया आपके पास आंसर सी। ठीक है बात, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है एट्थ क्वेश्चन, व्हाट इज एक्सटर्नल सॉर्टिंग एल्गोरिथम। एक्सटर्नल सॉर्टिंग एल्गोरिथम उसने लिखा है कि यूज़ टेप और डिस्क ड्यूरिंग शॉर्ट, बिल्कुल नहीं। ठीक है, एल्गोरिथम यूज़ मेन मेमोरी ड्यूरिंग द शॉर्ट, एल्गोरिथम इन्वॉल्व स्वैपिंग एल्गोरिथम दैट, ये आएगा इन प्लेस। इन प्लेस का मतलब, इन प्लेस का मतलब होता है कि जिसको आपके पास एक्सटर्नल मेमोरी की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, एक्सटर्नल मेमोरी की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है, वो कहलाता है इन प्लेस सॉर्टिंग। ठीक है बात, अब नाइन्थ का क्वेश्चन, नाइन्थ का है व्हाट इज़ द वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल शॉर्ट। तो सभी के केस में बबल सेक्शन शॉर्ट ऑर्डर ऑफ एन स्क्वेयर है। व्हाट इज़ द एवरेज, एवरेज भी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वेयर है। ठीक है बात, उसके बाद इलेवंथ क्वेश्चन आ गया। इलेवंथ क्वेश्चन में क्या कहता है, व्हाट इज़ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ऑप्टिमाइज बबल शॉर्ट ओवर अदर सॉर्टिंग केस इन केस ऑफ सॉर्टेड एलिमेंट। तो इसका आंसर आ जाएगा कंज्यूमिंग लेस टाइम। ठीक है जी बात, फिर बारहवें का क्या आंसर है, बारहवा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल रिप्रेजेंट वर्स्ट केस इनपुट फॉर इंसर्शन शॉर्ट। तो जब सिलेक्शन की बात की थी ना हमने, सिलेक्शन के केस में ऑलरेडी शॉर्टेड होता है, ऑलरेडी शॉर्टेड होता है बेस्ट केस। ठीक है, और सिलेक्शन के केस में जो वर्स्ट केस होता है ना, वर्स्ट होता है आपके पास रिवर्स शॉर्टेड। ठीक है, ये याद रखना है, सिलेक्शन के केस में वर्स्ट रिवर्स शॉर्टेड और बेस्ट ऑलरेडी शॉर्टेड, मतलब कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर रिवर्स शॉर्टेड होता है इंक्रीजिंग। ठीक है, तो अब उसने पूछा है इंसर्शन शॉर्ट, तो इंसर्शन के केस में ना जो शॉर्टेड जो होती है शॉर्टेड, ठीक है, इंसर्शन के केस में शॉर्टेड जो होती है वो बेस्ट केस होती है और रिवर्स शॉर्टेड होती है आपके पास वर्स्ट केस। ठीक है, तो दोनों सिलेक्शन और इंसर्शन दोनों की जो बेस्ट होती है वो ऑलरेडी शॉर्टेड होती है और रिवर्स शॉर्टेड होती है वर्स्ट, दोनों सिलेक्शन और इंसर्शन के केस में। तो उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल रिप्रेजेंट वर्स्ट केस इनपुट फॉर इंसर्शन शॉर्ट, तो जो आपके पास रिवर्स शॉर्टेड है वो क्या है आपके पास वर्स्ट केस, चाहे इंसर्शन कह लो चाहे सिलेक्शन कह लो, दोनों के केस में वर्स्ट होती है रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, अब 13 कहता है व्हाट इज बेस्ट केस एफिशिएंसी ऑफ बबल शॉर्ट इन इम्प्रूव्ड वर्जन। ठीक है, तो बेस्ट केस जो आपके पास इम्प्रूव्ड वर्जन है बबल शॉर्ट के केस में, तो जो बबल शॉर्ट है ना, बबल शॉर्ट के केस में हमने आपको बताया था, सॉरी ये जो मैंने आपको बताया ना, ये सिलेक्शन, ये आप सॉरी ये कर लो आप, क्वेश्चन था ये आप करेक्ट कर लो, ये थोड़ा गलत है। यहाँ पर जो बबल शॉर्ट है, ठीक है ना, बबल और इंसर्शन, बबल और इंसर्शन में बेस्ट केस क्या होता है शॉर्टेड। ठीक है, और कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, और वर्स्ट केस जो है वो है रिवर्स शॉर्टेड, कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वेयर। ये आप करेक्ट कर लें, यहाँ पर ये गलत था जो पहले बताया था, बबल और इंसर्शन के केस में बेस्ट होती है ऑर्डर ऑफ एन और वर्स्ट होती है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वेयर, मतलब शॉर्ट ऑलरेडी शॉर्टेड बेस्ट रिवर्स ऑर्डर एन स्क्वेयर। ठीक है, जो सिलेक्शन होता है ना वो इनपुट पे डिपेंड नहीं करता, नॉट डिपेंड अपॉन, नॉट डिपेंड अपॉन इनपुट। ठीक है, ये आप करेक्ट कर लें। तो यहाँ पर अगर हमारे पास बबल शॉर्ट की जो इम्प्रूव्ड वर्जन है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वेयर आएगी, क्योंकि ऑलरेडी शॉर्टेड वो इम्प्रूव्ड वर्जन होता है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वेयर। तो सिलेक्शन शॉर्ट में हमने बेस्ट जो पढ़ी थी,
ठीक है, तो ये ऑर्डर ऑफ एन स्क्वेयर ही था इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर बेस्ट, एवरेज और वर्स्ट जो सिलेक्शन के केस में है ना, सिलेक्शन सिलेक्शन के केस में बेस्ट, एवरेज और वर्स्ट तीनों ही ऑर्डर ऑफ एन स्क्वेयर होती हैं, ठीक है, तो ये जो सेवन्थ क्वेश्चन था इसको करेक्ट कर लेना, इसका आंसर ऑर्डर ऑफ एन स्क्वेयर ही है, बेस्ट, वर्स्ट और एवरेज तीनों हैं ऑर्डर ऑफ एन स्क्वेयर। और अगर बबल शॉट और इंसर्शन शॉट की बात करें, बेस्ट शॉटेड है आपके पास, बेस्ट है ऑलरेडी शॉटेड, और कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन, वर्स्ट और एवरेज ये आपके ऑर्डर ऑफ एन स्क्वेयर, ठीक है बात, तो ये करेक्ट कर लेना। यहाँ पर 13 क्वेश्चन हो गया, उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 14th, ठीक है, 14th क्वेश्चन कहता है द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्शन सॉर्ट इज ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है, वर्स्ट केस है, व्हाट विल बी द रोस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्शन सॉर्ट इफ करेक्ट प्रोसीजर ऑफ इंसर्टिंग एलिमेंट इज कैलकुलेटिंग यूजिंग बाइनरी सर्च। किसी भी मेथड से आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है, वर्स्ट केस हमेशा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर ही रहने वाली है, ठीक है, कोई सा भी मेथड यूज़ कर लो पोजीशन के लिए, चाहे लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर ही रहने वाली है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में, ठीक है। अब कहता है टास्क ऑफ जनरेटिंग अल्टरनेटिव इंडिसेस फॉर ए नोड इज कॉल्ड, अगर आप अल्टरनेटिव इंडिसेस को जनरेट करते हो, ठीक है, वो क्या कहलाता है आपके पास, कोलिजन हैंडलिंग, ठीक है, याद रखना है। इन हैश टेबल द साइज ऑफ 10 व्हाट इज द एलिमेंट 7 प्लेस, किस पोजीशन पे प्लेस होता है, तो हमने पढ़ा है अगर ये 7 एलिमेंट है, ठीक है, और हम मोड 10 का यूज़ करें क्योंकि 10 साइज ऑफ एलिमेंट है ना, तो 7 मोड 10 हमें क्या देगा, 7 ही देगा, ठीक है, तो पोजीशन क्या रहने वाली है, 7 ही रहने वाली है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन डन इन हैश टेबल, ठीक है, हैश टेबल में इंसर्ट भी करते हैं हम और सर्च भी करते हैं, व्हाट इज़ द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हैशिंग यूजिंग सेपरेट चेनिंग एल्गोरिथम, तो सेपरेट चेनिंग जब हम चेनिंग का यूज़ करते हैं ना, तो वर्स्ट केस में कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है, ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि चेनिंग में क्या होता है, चेनिंग में आप ऐसे यूज़ करते हैं ना हैश टेबल, ठीक है, हैश टेबल आपने यूज़ किया कि यहाँ पर लिंक लिस्ट बनाई है आपने, ठीक है, वर्स्ट केस क्या हो सकता है, सारे के सारे एलिमेंट एक ही लिंक लिस्ट में आ जाए, तो अगर सर्च करना है तो लीनियर सर्च होगा, और लीनियर के केस में क्या होती है, ऑर्डर ऑफ एन, तो वर्स्ट केस क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ एन। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन हैश टेबल टू डिटरमाइन द इंडेक्स ऑफ इनपुट रिकॉर्ड, तो इंडेक्स को हम किसकी हेल्प से सर्च करते हैं, हैश फंक्शन की हेल्प से, ठीक है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ हैश फंक्शन, हैश फंक्शन का हम यूज़ करते हैं टू कैलकुलेट एंड रिटर्न द इंडेक्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग डेटा, क्योंकि हम इंडेक्स ही कैलकुलेट करते हैं ना इसमें। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर हैश ट्री, ठीक है, हैश ट्री के केस में क्या होता है, हैशिंग इज़ यूज फॉर सिक्वेंशियल एक्सेस, ठीक है, सिक्वेंशियल एक्सेस के लिए हम यूज़ करते हैं। अगला 22वां क्वेश्चन है व्हाट इज़ हैश टेबल, हैश टेबल क्या है, तो हैश टेबल क्या है, हैश टेबल के अंदर आपके पास क्या होती हैं, कीज़ होती है ना, यूनिवर्सल सेट ऑफ कीज़ होता है आपके पास, ठीक है, वहाँ पर आप मैप करते हैं वैल्यूज़ में, ठीक है, तो ये क्या कहता है, स्ट्रक्चर दैट मैप्स कीज़ टू वैल्यूज़, तो ये आप पढ़ लेना जो वीडियोस कराई गई हैं उसमें इनके बारे में। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट टेक्निक टू अवॉइड ए कोलिजन, कोलिजन को अवॉइड करने के लिए कौन सी टेक्निक नहीं है, मेक हैश फंक्शन अपीयर रैंडम ये भी है, ठीक है, चेनिंग मेथड ये भी है, यूनिफॉर्म हैशिंग ये भी है, इंक्रीजिंग द हैश टेबल साइज ये टेक्निक नहीं है, ठीक है, कोलिजन को। अगला कहता है हाउ मैप एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन पाइथन, ठीक है, तो पाइथन का क्वेश्चन है ये आपके
यहाँ इसका आंसर आ सकता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग नहीं है बेसिकली, इसका यूज़ करते हैं हम डिक्शनरी में, ठीक है, इसका आंसर सी आएगा। व्हाट इज़ द बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल शॉर्ट, तो हमने बताया था बेस्ट केस होता है ऑलरेडी शॉर्टेड, तो ऑर्डर ऑफ एन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 26, इसमें लिखा है राइट द नंबर ऑफ स्वैपिंग नीडेड टू शॉर्ट नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर और यूज, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग बबल शॉर्ट। अब उसने कहा स्वैपिंग, ठीक है, अगर यहाँ पर बात होती है आइट्रेशन या पासिस की, तो सिंपल नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, 5 है तो नंबर ऑफ पासिस या आइट्रेशन 5 हो गया। लेकिन उसने स्वैपिंग की बात करी है, तो हमें एक करके देखना पड़ेगा कितने स्वैपिंग बनेंगे। तो ये हमारे पास एलिमेंट है, यहाँ पर लिख लेता हूँ 16 35 40 25 और 6, ये हमारे पास एलिमेंट आ गए, ठीक है। अब बबल शॉर्ट कहता है कि जब पहली आइट्रेशन होगी या फिर पास होगा ना, ठीक है, जो लार्जेस्ट एलिमेंट है, लार्जेस्ट एलिमेंट है ना, वो एंड में आ जाता है लिस्ट के, ठीक है, फिर सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, इस तरह से ये शॉर्टिंग करता है। तो यहाँ पर इन दोनों की चेकिंग होगी, ये अपने लेफ्ट साइड में हमेशा छोटा होता है और राइट साइड में हमेशा बड़ा एलिमेंट है, तो ये भी करेक्ट पोजिशन पर हैं, ठीक है, ये भी अपनी करेक्ट पोजिशन पर है। अब ये करेक्ट पोजिशन पर नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाएंगे, स्वैप, ठीक है। तो ये एक स्वैप हो गया, यहाँ 25 आ गया, यहाँ पर 40 आ गया और ये 6 है, ठीक है। अब ये करेक्ट पोजीशन पे आ गए, अब ये इसके साथ चेक होगा, ये भी ये इधर छोटा होना चाहिए, इधर बड़ा, ठीक है, तो ये स्वैप हो जाएंगे, एक स्वैपिंग आपके पास ये होगी, तो आ गया 16 35 25, यहाँ पर आ गया 6, यहाँ पर आ गया 40। अब देखें इस लिस्ट में जो लार्जेस्ट एलिमेंट है ना, वो 40 है, वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गया एंड में, ठीक है। फिर स्टार्टिंग से कंपैरिजन होगी, ये अपनी करेक्ट पोजीशन पे हैं, ठीक है, फिर ये दोनों कंपेयर होंगे, एडजेसेंट एलिमेंट कंपेयर होते हैं हमेशा, ये दोनों होंगे, ये दोनों और ये दोनों, इसी तरह से हुआ ना, तो ये करेक्ट पोजीशन पे है, ठीक है। फिर इन दोनों की चेकबुक होगी, ये बड़ा है ये छोटा है, तो स्वैप करना पड़ेगा, तो एक स्वैपिंग ये होगी, फिर 16 25 35, ठीक है ना, इधर आ गया, ठीक है, 6 और 40, ठीक है। अब यहाँ हो गया, अब ये इसके साथ कंपेयर होगा, ये भी छोटे बड़े हैं, ठीक है, स्वैप करना पड़ेगा, ये एक स्वैप हो गया आपके पास, 16 25 6 35 और 40। अब आप देखें 35 और 40, ये दोनों अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गए, ठीक है। अब इनकी आपस में कंपेरिजन होगी, ये छोटा है ये बड़ा है, करेक्ट पोजीशन पे है, अब ये बड़ा है ये छोटा है, फिर स्वैपिंग होगी, ठीक है, एक स्वैपिंग अब ये करनी पड़ी, 16 6 25 35 40। अब देखें यहाँ तक ये तीनों एलिमेंट अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गए, फिर कंपैरिजन होगा, छोटे बड़े हैं, स्वैप करने पड़ेंगे, 6 16 25 35 40। अब आप देखें कि ये सारे के सारे अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गए, ठीक है ना बात, तो 1 2 3 4 5 6, तो आप देख सकते हैं कि जो 5 एलिमेंट थे तो आइट्रेशन भी कितनी आपके पास हुई है, 5, ठीक है बात। तो यहाँ पर आप कंपेयर की काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आ गया कंपैरिजन में, 6 स्वैपिंग करनी पड़ी आपको, ठीक है बात। दोबारा से आप देख लो, एक स्वैपिंग यहाँ पर, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 6 स्वैपिंग करनी पड़ी आपको, ठीक है बात। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल शॉर्ट मेथड। बबल शॉर्ट ये कोई भी शॉर्टिंग है, तीनों शॉर्ट में वर्स्ट केस ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होती है। अब अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टाइम टेकन फॉर इंसर्शन शॉर्ट एल्गोरिथम टू शॉर्ट एन एलिमेंट। एन एलिमेंट को शॉर्ट करने के लिए कितना टाइम लगता है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। व्हाट इज़ द रोस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्शन शॉर्ट ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ कंपैरिजन इन इंसर्शन शॉर्ट फॉर ए शॉर्टेड लिस्ट। नंबर ऑफ कंपैरिजन इंसर्शन शॉर्ट हो लो कह लो या फिर सिलेक्शन शॉर्ट कह लो, n-1, ठीक है, ये आपको याद रखना है। मैंने बताया था ना, अगर हम आइट्रेशन या पासिस की बात करेंगे ना, तो सिलेक्शन और इंसर्शन दोनों के केस में n एलिमेंट है, तो पासिस कितने होंगे, n-1, और बबल के केस में कितने होंगे, n, और वर्स्ट
बेस्ट और वर्स्ट, ठीक है, यहाँ पर बात आती है बबल की और सिलेक्शन की, ठीक है ना। तो बेस्ट होता है ऑलरेडी शॉर्टेड, ठीक है, और वर्स्ट होता है रिवर्स शॉर्टेड, ठीक है। और ये ऑर्डर ऑफ एन है, ये ऑर्डर ऑफ एन स्क्वेयर है। यहाँ पर ये इंसर्शन है, इसके साथ इंसर्शन, ठीक है। बेस्ट और वर्स्ट केस की बात आएगी, इंसर्शन के साथ बबल आएगा। जब आइट्रेशन और पासिस की बात आएगी, इंसर्शन के साथ सिलेक्शन आएगा, ठीक है। बात ये आपको याद रखना है, ये मैं दिखा भी दूंगा आपको लिस्ट में। तो कंपैरिजन हो गए ए। अब लास्ट क्वेश्चन है इसमें 31, ये कहता है सपोज अ लिस्ट एल, देन द नंबर ऑफ कंपैरिजन मेड यूजिंग इंसर्शन शॉर्ट इज। अब इसमें भी देख लेते हैं, हमारे पास जो लिस्ट है, अब आप देखें यहाँ पर, आप देखें कि ये जो 10, 20, 30, 40, 60 ऑलरेडी शॉर्टेड है, ठीक है ना, ऑलरेडी शॉर्टेड है। तो एलिमेंट कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 6, ठीक है ना। तो हमने पढ़ा था जब n एलिमेंट होते हैं, अभी ये पढ़ा था ना हमने, ठीक है ना, अभी पढ़ा था कि अगर आपके पास इंसर्शन शॉर्ट है, ठीक है ना, इंसर्शन है या सिलेक्शन है, इंसर्शन की बात करें, ठीक है ना, इंसर्शन की बात करें या सिलेक्शन की बात करें, एन एलिमेंट है, आइट्रेशन या पासिस कितने होते हैं, एन माइनस वन, ठीक है। और ये ऑलरेडी शॉर्टेड है, आप देख सकते हैं ये लिस्ट क्या है, ऑलरेडी शॉर्टेड है। तो इंसर्शन शॉर्ट के केस में कितने बनेंगे आपके पास, 5 बनेंगे, ठीक है, अगर वो ऑलरेडी शॉर्टेड है, ठीक है ना। ये आपको याद रखने बात, लिस्ट अगर ऑलरेडी शॉर्टेड है तो आपके पास कंपैरिजन कितने बनेंगे, सिर्फ जितने एलिमेंट हैं उसे एक नंबर दो, 5, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बन गया, 5। तो ये आपके पास एमसीक्यू थे शॉर्टिंग के बारे में या हैशिंग के बारे में। तो ये जो इसकी पीडीएफ है ना, और ये जो बेस्ट केस या वर्स्ट केस, सिलेक्शन, बबल, इंसर्शन में है, इसका भी नोट्स मैं आपको टेलीग्राम लिंक में दे दूँगा। जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।